विकृति कब जारी होगी, कब एग्जाम होगी और पदों की संख्या कितनी बढ़ाई जाएगी। साथ ही गौर से सुनना, कुछ ऐसे समाज कंटक व्यक्ति हैं जो बिल में छुप जाते हैं जब राजस्थान के बेरोजगार जब दुखी और परेशान होते हैं। जब हम गुजरात में थे तब आया कि 6000 पद कम कर दिए गए घोषणा के बावजूद भी, अब कोई भी इस मायूस उदास पीड़ित बेरोजगार के लिए सड़कों पर नहीं उतरा क्योंकि ये भर्ती रद्द होने से पहले ही दुखी थे। मैं गुजरात से राजस्थान लौटा, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मांग पत्र में गुजरात ने भी इस मांग पत्र में इस मांग को प्रमुख रूप से शामिल किया और जब 12-15 नवंबर की मजबूती से बात को उठाया कि पदों की संख्या बढ़नी चाहिए रीट लेवल पर और विशेष शिक्षकों में बिना पद कम किए। साथियों उसने सहमति बनी और लाइव के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले हमने कराया था कि पदों की संख्या बढ़कर रहेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों से बात है। उस समय यह तय हुआ था, अब मेरा वीडियो मेरा लाइव भी देखना और वीडियो की न्यूज भी देखना। उस समय मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि डीपीसी के होगी और डीपीसी के पास जो पदों की सूचना आएगी उसके बाद हम पद बनाएंगे। 4500 पदों पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी और जो वर्तमान में जो पद खाली है उसे हम परीक्षण करवा रहे हैं। वो परीक्षण करवाने के बाद 1500 पद उनको उपलब्ध मिले, 1500 पदों की जो वित्तीय स्वीकृति के लिए जो सैद्धांतिक सहमति के लिए वो फाइल चल चुकी है, 1500 पद बढ़ेंगे लेकिन 4500 पदों पर सहमति बनी थी उसके लिए अभी आंदोलन है। कल सुबह हम लोग 10:30 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड जा रहे हैं कि विज्ञप्ति जारी की जाए और परीक्षा तिथि भी बताई जाए कि फरवरी एंड में होगी या मार्च में होगी, कब होगी आप बताओ, क्योंकि 4-5 फरवरी पर एग्जाम नहीं होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि परीक्षा तिथि बताए, विज्ञप्ति भी जारी करें। लेकिन अब कई लोग कह रहे हैं कि हाँ आप पद बढ़ाने की मांग वहां क्यों कर रहे हो, पद बढ़ाने की मांग आपको शिक्षा मंत्री सीएमओ या शिक्षा विभाग के अधिकारी को सामने करनी चाहिए। जब साथियों हम प्रदर्शन वहां कर रहे हैं, मीडिया वहां आ रही है, दो काम 6 दिन मोदी जी के हाथ में विज्ञप्ति जारी करना और चर्चा थी, लेकिन वहां मीडिया के माध्यम सरकार तक बात चली जाएगी कि युवा बेरोजगार पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम सही इस मार्ग पर प्रदर्शन करते हैं तो भी शिक्षा विभाग सीएमओ तक सरकार तक आवाज आती है। तो जब हम वहां जा रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, दो मांग कर रहे हैं, ये मांग भी मजबूती से रख रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए जो 15 नवंबर को सैद्धांतिक सहमति बनी थी। तो साथियों आज भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं ना इतने पदों पर भर्ती होगी वो पहले कहां छुप गए थे, बढ़ाएंगे अब लोग घूमना करते हैं साहब लेवल पर्स में पद कम हो जाएंगे। अरे लेवल पर्स में नामांकन बढ़े हैं तो लेवल पर्स में नामांकन बढ़ने से उनके 21,000 पद हुए, लेवल 2 के पद काटे नहीं गए लेवल 1 के लिए, नामांकन बढ़ने से लेवल 1 के 21,000 हो गए और यदि अभी भी नामांकन पद खाली है तो लेवल 1 के भी बढ़ाने की मैं प्रेरित करूंगा। लेकिन सवाल यह है लेवल 2 के पद लेवल 1 में नहीं जोड़ेंगे और लेवल 1 के पद लेवल 2 में नहीं जोड़े जाएंगे। अब डीपीसी होगी कितने पद रिक्तों में तमाम चाहिए, 4,000 हो 5,000 हो 7,000 हो, उन पदों को बढ़ाने के लिए आप संघर्ष अभ्यास करें। जो लोग सवाल उठा रहे बैठे कि सब 1500 पद बढ़े हमें दी थोड़ी ना दी हमारे साथ गलत हो गया, भाई रजाई से बाहर निकल, ये तो आके मतलब ये मांग बोलवा मांग पत्र शामिल करके बात करके 1500 पद तो बढ़वाए आपके, आप 1500 पद बढ़ा के देगी घर से निकलकर और आप 4,500 के सैद्धांतिक सहमति तो बनवाई, डीपीसी के बाद तक बनाने की सैद्धांतिक सहमति तो बनाई, आज उसके लिए दबाव बना रहे कल जा रहे प्रयास तो करें ना, लड़ रहे आप लोगों के लिए। तो कम से कम जो आप लोगों का साथ दे रहा है, जो आपका सिलेबस से लेकर साथ के साथ दिया, आपके 1500 पद बढ़े तो और मिलिए थोड़ी 1500 पद नहीं बढ़ेंगे, वो पद जो सैद्धांतिक सहमति बनी थी डीपीसी हो रही है, डीपीसी जारी है, डीपीसी जारी होने के बाद आंकड़े आएंगे वो पद इनकी विज्ञप्ति जारी होने के बाद एग्जाम से पहले कभी भी वो पद बढ़ सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयास करें। जो सीएमओ में मीटिंग होगी उसमें मजबूती से आपकी बात मैं रखूंगा और आने वाले वीक में आज मेरे पास शिक्षा विभाग से फोन आएगा कि शिक्षा विभाग के कौन कौन से मुद्दे जिसे शिक्षा विभाग तैयार करके, तो मैंने सारे मुद्दे लिखे जिसे प्राथमिक तौर पर मांग रखी है कि शिक्षा विभाग में जो अध्यापक भर्ती परीक्षा उसकी विज्ञप्ति जारी की जाए, परीक्षा तिथि बताई जाए और पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ये मांग पहले नंबर पर शिक्षा विभाग में रखी है। तो वहां आता हूं तो इसको मजबूती से रखूंगा और कल आप सब जो जयपुर में रुके हैं जो मांग कर रहे हैं कि हमारी विज्ञप्ति दर्ज जारी हो, परीक्षा तिथि की स्थिति स्पष्ट हो कब होगी और इसके अलावा पदों की संख्या बढ़ाई जाए। यार तुमसे हम एक दिन तो निकल के आइए, आप गुजरात में मैं था तभी आप चुप हो गए, 6,000 पद हो गए, आके मैंने बात की परिणाम आपको दिया, हर एक परिणाम दे रहा लेकिन ऐसे जो कॉपी पेस्ट के कुछ आप बात करिए, इनको पता है कि वार्ता मैंने सबसे पहले बता दिया था कि डीपीसी के तहत पद बढ़ेंगे, 1500 पदों को मैंने बता दिया था तो 1500 4,500 पर जोड़